हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटिक्स। आज की मेरी वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह टीचर्स लीड ऐप पे स्टूडेंट्स को होमवर्क या कोई और टास्क किस तरह असाइन करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम में टैप करेंगे और लीड जो उस पर लॉगिन करेंगे, टीचर ऐप डॉट लीड स्कूल डॉट इन पे जो आपको असाइन किया होगा यहाँ पे लीड की तरफ से। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको क्लासेस आ जाएंगी। क्लासेस जो हैं संडे की पॉज हैं, तो आप पिछली क्लास में जा सकते हैं यहाँ से कैलेंडर चेंज करके। इस तरह से क्लासेस आ जाएंगी। अगर बीच में जिस दिन हॉलीडे उस दिन क्लासेस पॉज होंगी आपकी, तो आपने किस तरह स्टूडेंट्स को होमवर्क या और अदर एक्टिविटी उनको असाइन करनी है, जो आपको नीचे आइकन दिख रहे हैं माई क्लासेस, डाउट एंड अपलोड, स्टूडेंट रिपोर्ट्स मेनू, आप क्या करेंगे डाउट एंड अपलोड्स पे टैप करेंगे। यहाँ पे डाउट एंड अपलोड पे टैप करने के बाद इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस तरह की यहाँ पे टीचर्स ने क्या किया होगा, अब ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे जिनको उन्होंने एक साथ जो भी टास्क है बचा सकता है। वन बाई वन भी आप टीचर को स्टूडेंट्स को टास्क असाइन कर सकते हो, पर मोस्टली क्या करते हैं टीचर्स, करना चाहिए भी कि उनको एक क्रिएट कर लेना चाहिए ग्रुप अपनी क्लास का, ताकि जो भी टास्क है आप एक साथ उनको शेयर कर सकते हैं। सामने जो आपको टैप प्लस का साइन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू कन्वर्सेशन और क्रिएट न्यू ग्रुप। आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू ग्रुप, उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप का नेम रख सकते हैं। नेम के रखने के बाद आप नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐड करना है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस ग्रुप को डन कर लेंगे। पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो मैं वहीं पे उनको होमवर्क असाइन करूँगी। ये मैंने पहले ग्रुप क्रिएट किया था। यहाँ पे मेज देखो, आप देख रहे हैं कि मैंने भेजी हुई है। अब फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने ये इमेज स्टूडेंट्स को सेंड की है, होमवर्क किस तरह असाइन किया है। तो आपको नीचे एक आइकन दिख रहा होगा ये वाला, आप इस पे टैप करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फाइल्स और फोटोज़ लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप जो भी आपके कैमरे से खींची हुई कोई भी फाइल है, या फिर ब्राउज़र में जो आपने पीडीएफ बनाई है, जो भी उनको आप होमवर्क असाइन करना है गैलरी से, वो आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ही लिंक भी शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप कोई भी उनको एक्टिविटी दे सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो वो भी आप उनको असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक गैलरी से एक पिक उनको शेयर करती हूँ, किस तरह शेयर करनी है आपने भी। यहाँ पे एक एक्टिविटी की हुई है स्टूडेंट्स ने, वही मैं शेयर कर लेती हूँ। उसी को डन करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं ये डन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि अपलोडिंग हो रही है। जो आप देख बता दूं कि जो आप भी कोई भी उनको काम असाइन करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, केबी में होनी चाहिए, ना कि एमबी में। केबी में होगी तो वो जल्दी उनको चली जाएगी, अगर एमबी में होगी उनको टाइम लगेगा जाने में। तो आप इसके बाद इसको यहाँ से आगे टैप कर लेंगे, यहाँ पे इस साइन पे, इस तरह उनको वो फाइल चली जाएगी इस तरह, और स्टूडेंट्स को क्लियर पिक उनको दिख जाएगी। इस तरह
जो भी पिक मैंने शेयर की उनके साथ, इस तरह बच्चा ओपन करेगा तो उसको वो कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम स्टूडेंट्स को लीड ऐप में होमवर्क या अदर एक्टिविटी उनको असाइन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।